ओके सो सैमसंग का गैलेक्सी A50, एंड यहाँ पर मैं सैमसंग के A50 में लो को यार हाई रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर बेस्ट डिस्प्ले या सेफ बैटरी सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो 120 हर्ट्ज़ से सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। आप इसको सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर कैसे इनेबल कर सकते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं सैमसंग का A50 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है सैमसंग का गैलेक्सी A50, इसका बिल्ड नंबर से आप पहचान सकते हैं। वन यू आई 2.0 के ऊपर रन कर रहा है, एंड साथ में है हमारे A50 के अंदर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉयड 10, एंड इसके अंदर हम 120 हर्ट्स जो है इनेबल करने वाले। एंड आपको वो किस तरीके से इनेबल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ कि वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर कैसे भी हमें वो सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती है, सर्च करने पर भी नहीं आती है। तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, स्टेप नंबर वन, आपको एक फ़ाइल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वो डाउनलोड करनी है। एंड यहाँ पर जो फाइल है वो अराउंड 256 के बी के आसपास की काफ़ी छोटी फाइल है, ये सैमसंग ब्राउज़र नहीं ये वाली, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करनी होगी, किस तरीके से डाउनलोड करना है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही पता चल जाएगा। एंड इस फाइल को डाउनलोड अगर आप डिस्क्रिप्शन से करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ वो मोड एपीके है। अदरवाइज़ अगर आप प्ले स्टोर से करते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब काफ़ी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी प्रॉपरली। एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, एंड यहाँ पर मैंने इसको ऑल किया हुआ है, ये रही वो एप्लीकेशन, इसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। इसे हम पहले ओपन होने देते हैं, पूरी तरीके से लोड होने देते हैं, एंड उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इसे वो जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली लोड हो चुकी है, एंड यहाँ पर हमें सर्च करना होगा हाई रिफ्रेश रेट, रखे ये रहा, एंड ये हमारी सेटिंग आ चुकी है। एंड यहाँ पर हम ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कि बेस्ट डिस्प्ले यानी कि 120 हर्ट्ज़, और साथ ही में यहाँ पर सेफ बैटरी यानी कि 60 हर्ट्ज़, एंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है हमें हाई रिफ्रेश रेट एप्स, यानी कि जो जो हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल सैमसंग के खुद के एप्लीकेशन हो गए, कैलेंडर जो कि 120 हर्ट्ज़, ये सभी एप्लीकेशन है जो 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करती है। आप चाहे तो यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन में जा कर के एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं कस्टमली, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेता है कि 60 हर्ट्ज़ है ये 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करता है नहीं करता है। अब एक्चुअली बात की जाए तो ये 120 हर्ट्ज़ एक्चुअल में कितना रियल वर्ल्ड में कितना इफेक्ट देता है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर दिखा तो रहा है, बट रियल लाइफ में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड में, वहाँ पर मुझे कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है 60 और 120 हर्ट्ज में, बिकॉज़ ये जो है ना ये हमारा हार्डवेयर है, बेसिकली ये हार्डवेयर चीज़ होती है, हार्डवेयर बेस्ड, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है सैमसंग के गलेक्सी A50 के अंदर वो 60 हर्ट्ज़ का है, बट यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले वो अलग से हार्डवेयर होता है जो कि 120 बार उसको रिफ्रेश कर रहा होता है, एंड ये वहाँ पर उस चीज़ में काम करेगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा। बट ये एक मोड है, ये एक तरीके से प्रैंक कह सकते हैं आप, किसी के साथ भी कह सकते हैं कि भाई मेरे डिवाइस में देखो ये तो है, तुम्हारे डिवाइस में नहीं है, तुम्हारे सैमसंग के A50 में नहीं है, मेरे सैमसंग के A50 में है, कुछ इस तरीके का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगती है लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।